नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज़ में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार के लॉ कॉलेजों को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने एडमिशन पर लगाई रोक। डीएम का बड़ा फैसला, कल से दुकानों को किया जाएगा बंद, जानिए क्यों सील होंगी दुकानें। बिहार के लिए अच्छी खबर, भागलपुर में गंगा नदी पर नए पुल के लिए टेंडर हुआ फाइनल, जल्द शुरू होगा 4 लेन का नया पुल बनाने का काम। बिहार में बढ़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, पटना जंक्शन पर बरती जा रही है खास सावधानी, सरकार के गाइडलाइन का लोग नहीं कर रहे हैं पालन। शहर के कई बड़े स्कूल नए सत्र में नहीं बढ़ाएंगे ट्यूशन फीस, अभिभावकों को मिलेगी राहत। पहली बार किसी महिला कॉलेज में होगा ऑनलाइन चुनाव, जाने इन पदों के लिए होगी वोटिंग। बिहार के बीएड कॉलेजों में 451 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली रद्द, सभी लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर भी रोक, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। होली के बाद बिहार के आम लोगों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं, जिंदगी होगी आसान, देखे नीतीश सरकार क्या क्या देने जा रही है सौगात। बिहार में सीमेंट की कीमतों ने जकड़ा लोगों के घर बनाने का सपना, जानिए अचानक से क्यों महंगा हुआ सीमेंट। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा ईपीएफओ से जुड़ी हर परेशानियों का हल, यहाँ देखे बिहार झारखण्ड का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, बिहार के लॉ कॉलेजों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना उच्च न्यायालय ने लॉ कॉलेजों में नामांकन पर फिलहाल रोक लगा दिया है, कोई भी सरकारी या प्राइवेट लॉ कॉलेजों में एडमिशन नहीं लिया जाएगा। बिहार के लॉ कॉलेजों में पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है। दरअसल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में लॉ कॉलेजों में पूरी व्यवस्था नहीं है, बिहार के लॉ कॉलेजों में स्थिति ऐसी है कि योग्य शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की भी काफ़ी कमी है। इस मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट चांसलर कार्यालय, राज्य सरकार, संबंधित विश्वविद्यालय और अन्य को जवाब तलब भी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के किसी भी सरकारी और प्राइवेट लॉ कॉलेजों में 2008 के प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है। बिहार में सरकारी और निजी लॉ कॉलेज 28 है, लेकिन कहीं भी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण लॉ की पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। होली से पहले दुकानदारों को बड़ा झटका लग सकता है, उनकी कमाई बंद हो सकती है, उनका रोजगार ठप पड़ सकता है, क्योंकि बिहार सरकार के नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही है और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसीलिए पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यह निर्णय लिया है कि अगर कोई भी दुकानदार या ग्राहक बिना मास्क के नजर आएंगे तो जिला प्रशासन बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके दुकान को सील कर देगी। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दुकानों में मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित कराने हेतु 8 टीमों का गठन किया है। दुकानों की जांच के दौरान अगर दुकानदार उपभोक्ता बिना मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग के पाए गए तो संबंधित दुकान को सील किया जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भी मास्क के प्रयोग की सघन जाँच की जाएगी और दोषी को 50 रुपये के जुर्माना की वसूली की जाएगी। डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षण को वाहनों पर मास्क चेकिंग करने और जुर्माना वसूली का निर्देश दिया है। भागलपुर में गंगा नदी पर 2 लेन के सिर्फ एक पुल विक्रमशिला सेतु होने के कारण दशकों से परेशानी झेल रहे उस इलाके के करोड़ों लोग के लिए बड़ी खबर है। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन के लिए नए पुल के लिए टेंडर फाइनल हो गया है, अब जल्द ही पुल का निर्माण शुरू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर नया पुल बनाने का ऐलान किया था। सुशील मोदी ने राज्यसभा में सवाल पूछा था कि पुल का निर्माण कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा है। जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भागलपुर के पास विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा पर 4 लेन नए पुल के लिए वित्तीय निविदा संपन्न हो गई है। गडकरी ने सोमवार को बताया कि भागलपुर के पास विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा पर नए 4 लेन सेतु का निर्माण के लिए 1,110.23 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। बिहार में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्य में फिर नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार कर गई है। रविवार को 53,531 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 126 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। गौरतलब है कि 26 जनवरी को पटना में 65 संक्रमित मिले थे, जो 1 मार्च को अचानक गिरकर 9 तक पहुँच गए थे। लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, जिसे लेकर बिहार सरकार अब अलर्ट मोड में है। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार लोगों से सावधानियाँ बरतने
बरतने और सरकार द्वारा बनाए गए गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। कोरोना की बढ़ रही लहर से पटना जंक्शन पर भी खास सावधानियां बरती जा रही है। इसे लेकर पटना जंक्शन पर बाहर से आने वाले यात्रियों पर रैपिड टेस्टिंग किट से जांच की जा रही है। जांच के दौरान यदि कोई पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तब उन्हें सीधे आइसोलेशन वार्ड भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। खासकर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। हालांकि कोरोना को लेकर लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, ना तो वे मास्क लगाते नजर आ रहे हैं और ना ही 2 गज की दूरी का पालन ही कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर सबसे पहले लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। यदि हम सावधानियां बरतेंगे और सरकार के गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी कोरोना के बढ़ते केस को कम करने में सफलता मिलेगी। कोरोना काल में अभिभावकों को हुई आर्थिक परेशानियों को मद्देनजर शहर के कई निजी स्कूलों ने नए सत्र 2021-22 में स्कूल फीस नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। डॉन बोस्को एकेडमी के प्राचार्य मेरी अल्फोंस ने बताया कि हर साल 6-7% तक की फीस बढ़ाई जाती थी, मगर इस बार ट्यूशन फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पिछले सेशन में जो फीस स्ट्रक्चर रहा है उसी को फॉलो किया जाएगा। इसके साथ ही संत डेमेनिक हाई स्कूल में भी ट्यूशन फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। स्कूल के डायरेक्टर ग्लेन गोल्डस्टन ने बताया कि प्रतिवर्ष 7% तक की स्कूल फीस में बढ़ोतरी की जाती थी, मगर इस बार सभी कक्षा की ट्यूशन फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में फिर से एक बार कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसारने का काम कर रहा है। इसी को देखते हुए मगध महिला कॉलेज में ऑनलाइन चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। मगध महिला कॉलेज बिहार का पहला ऐसा कॉलेज बन जाएगा जहां पहली बार स्टूडेंट सेंट्रल सोसाइटी यानी कि कैबिनेट चुनाव और सहोदरा ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ऐसा सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शशि शर्मा ने बताया कि कोविड के समय में ज्यादा छात्राओं को एकत्रित कर वोटिंग कराना काफी रिस्क लेना होगा। ऐसे में कॉलेज की ओर से लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर NIM सिस्टम काफी कारगर साबित होगा। छात्राएं ऐप के माध्यम से अपनी वोटिंग करेंगी, साथ ही ऑनलाइन ही सारी काउंटिंग भी होगी, जिससे रिजल्ट में पारदर्शिता बनी रहेगी। कॉलेज की ओर से इलेक्शन को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें 23 को छात्राओं की काउंसलिंग होगी। बिहार के शिक्षा जगत के लिए पटना हाईकोर्ट से सोमवार को 2 बड़ी खबरें आईं। इसमें सबसे पहले तो ये कि राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद पर की गई नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया है। वहीं दूसरी फैसले के बिहार के सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर भी रोक लगा दी है। बिहार के सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद पर की गई नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर हुई 3 रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह नियुक्ति बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन के शर्तों के खिलाफ जाकर बीएड कॉलेजों में की गई है। आने वाले समय में बिहार सरकार आम लोगों को 3 बड़ी सौगात देने जा रही है। इसमें तो सबसे पहले ये है कि होली के बाद 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के साथ ही मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन का दाखिल खारिज अपने आप हो जाएगा। वहीं 1 मई से सभी थाने ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। साथ ही गंगा नदी पर 3 और कर्मनाशा नदी पर 1 पुल अगले साल चालू हो जाएगा, जिससे आवागमन और बेहतर हो जाएगा। होली के बाद सरकार राज्य के करोड़ों लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। लोगों को जमीन की दाखिल खारिज के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय नहीं जाना होगा, आवेदन भी नहीं करना होगा। 31 मार्च से मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन आदि की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। अभी लोगों को म्यूटेशन के लिए रजिस्ट्री कराने के बाद डीड की फोटोकॉपी लगाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। अभी यह सुविधा सिर्फ उन्हीं क्रेताओं को दी जाएगी जिन्होंने जमाबंदीदार रैयत से जमीन की खरीद की हो। वैसे विक्रेता जिनके नाम पर जमाबंदी कायम नहीं है और उनके नाम से रसीद भी नहीं कटता है, उनसे अगर जमीन की खरीद करते हैं तो पहले की तरह ही ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया के तहत दाखिल खारिज कराना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन कंपनियों से बिहार में सीमेंट की सप्लाई होती है, लेकिन पिछले 2 सप्ताह से सीमेंट की सप्लाई बंद है। इसके कारण सूबे में सीमेंट 50 रुपये प्रति बैग महंगा हो गया है। कारोबारियों के अनुसार देश भर में 40% सीमेंट
की सप्लाई अकेले छत्तीसगढ़ से होती है, लेकिन वहां पिछले 20 दिनों से ट्रक मालिकों की हड़ताल की वजह से बिहार में भी सीमेंट की किल्लत हुई है। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मार्केट से ब्रांडेड सीमेंट गायब हो चुका है। 300 रुपये का सीमेंट 350 रुपये तक में मिल रहा है। इसके कारण न केवल आम लोगों को मकान का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है, बल्कि बिल्डरों के साथ सरकारी प्रोजेक्ट का काम भी प्रभावित हुआ है। सीमेंट उद्योग से जुड़े संजीव कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ट्रक मालिक और सीमेंट कंपनियों के बीच किराए को लेकर टकराव चल रहा है। इसके कारण सीमेंट की सप्लाई प्रभावित है। इसका असर झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल में भी सप्लाई प्रभावित हुआ है, क्योंकि मुख्य रूप से क्लियरेंस की सप्लाई छत्तीसगढ़ से होती है। ट्रक हड़ताल की वजह से क्लिंकर की भी सप्लाई पर असर पड़ा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने ग्राहकों की त्वरित शिकायतों के निष्पादन के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके जरिए ईपीएफ खाताधारक अपनी शिकायतों को ईपीएफओ के तहत आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस नई सुविधा से ईपीएफ ग्राहकों को ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साथ सीधी बातचीत करने की सुविधा मिलती है। इस बात की जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अपर केंद्रीय आयुक्त राजीव भट्टाचार्य ने दी है। उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।